हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट दिस वीडियो इट इज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इज मैथ्स चैप्टर 2 चैप्टर नेम इज होल नंबर्स स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर आई हैड एक्सप्लेन यू सम रिलेटेड विद द एक्सरसाइज 2.3 बट स्टूडेंट सम स्टूडेंट हैव सम डाउट्स ओके कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सम हाउ टू सॉल्व इट ओके स्टूडेंट द सम इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 यदि किसी दो होल नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0 कैन बी सेड दैट One or both of them will be zero. तो क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि या तो एक या फिर both of them will be zero. या तो कोई एक या फिर दोनों जीरो होंगे तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझना होगा तो let us take one example. If I am taking one value, one and second value zero, so my answer is zero because एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 देन इट गिव्स अस 0 ओके स्टूडेंट नाउ इफ आई एम टेकिंग बोथ वैल्यू 0 अगर मैं यहां पे दोनों वैल्यू क्या ले लूं 0 फिर भी मेरा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 0 कितना आएगा 0 ही आएगा दैट मींस क्वेश्चन भी ये कह रहा है अगर किसी दो होल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन 0 आता है तो कैन बी सेड दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0 यस स्टूडेंट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0 यस तो स्टूडेंट क्या लिखोगे लास्ट फाइनल स्टेटमेंट यस वी कैन सेड दैट और इसके बाद से आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे ये वाला स्टेटमेंट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0